भाई भैया पीछे है उधर से जा आइए आइए भाई साहब आइए लगा लीजिए एक मिनट दे दा लिया चलिए ठीक है ये बहुत शुभ दिन है आज हमारा 38वां एडिशन है एक्सपो का और कारपेट इंडस्ट्री सब मिल के इसका आयोजन करती है और एक इंस्टीट्यूशन बन गया है ये फेयर एग्जीबिशन एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं करीब 300 बायर मोटा मोटी बाहर के देशों से आ रहे हैं यूएसए यूरोप रशिया टर्की चाइना सब जगह से आ रहे हैं और बनारस का भी नाम ऊपर होता है और हमारी कारपेट इंडस्ट्री जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है बनारस भदोही मिर्ज़ापुर हमारी रीढ़ की हड्डी है कारपेट इंडस्ट्री की और ये धीमे धीमे आगे बढ़ रही है बहुत खुशी की बात है जिस तरीके से आप लोग का सबका सहयोग है और इंडस्ट्री जैसे काम कर रही है अभी हमारा 12,000 करोड़ का करीब करीब एक्सपोर्ट हो रहा है और ये फिगर और बढ़ेगी हमें उम्मीद है जिस तरीके से हमारे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं इस बार हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से करीब 400-500 करोड़ के ऑर्डर यहीं पे अगले 3-4 दिन में हमारी इंडस्ट्री को मिलेंगे और ये इसका बड़ा भारी योगदान होगा बनारस भदोही मिर्ज़ापुर की इकॉनमी पे क्योंकि कितने लोग इसमें करीब 12-13 लाख से ज़्यादा लोग कारपेट इंडस्ट्री के साथ लगे हुए हैं और ये सब की भलाई के लिए ये बहुत अच्छा आयोजन है और हम ख़ास तौर से हमारे जो CEPC के जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो बोर्ड मेंबर्स हैं काउंसिल मेंबर्स हैं उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि अच्छा आयोजन किया है और आगे सरकार इनके साथ है हम चाहते हैं कि इस आयोजन को और बड़ा किया जाए अच्छा हैंडमेड कारपेट को बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं लेकिन हैंडमेड और मशीन मेड का कोड एक ही है एचएस कोड एक ही है उसमें भी हम उसका हम बातचीत चल रही है उसका कोड हम अलग करवाएंगे ये हम आश्वासन देते हैं आपको और हम हैंड को मशीन मेड से बिल्कुल सेग्रीगेट करके इसका ब्रांडिंग अलग से करेंगे ताकि दुनिया को ये पता लगेगा हिंदुस्तान का मतलब हैंडमेड बाकी दुनिया का मतलब है मशीन मेड लेकिन हिंदुस्तान का मतलब हैंडमेड अच्छा हैंडमेड कारपेट को GI मिला हुआ है लेकिन इसके प्रमोशन के लिए आज तक एक कमेटी भी नहीं बन पाई नहीं अब हम जैसे बताया ना अब हम इसका हम जो प्रमोशन है जो हम इसकी ब्रांडिंग है वो हैंडमेड को करेंगे तो हैंडमेड का जो GI इत्यादि जो भी हमारा जो प्लस पॉइंट्स हैं इसके उसी को लेके ले हम आगे बढ़ेंगे कि भाई ये कारपेट दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है खाली हिंदुस्तान में इसका GI तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन से हमारी इंडस्ट्री का को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेगी धन्यवाद
पावर हाउस बाबा देख ले सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मीज़ान है, मैं पार्टनर हूँ सलमान रंग इंडस्ट्रीज। हमारा जनरेशन से एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। कहाँ से आप आए हैं? भदोही से। जी बात कीजिए, चार दिनों तक चलने वाले इस कालीन मेले में तो क्या इस बार ये अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले में अच्छा रहा है? पिछले साल ऐसा नहीं था। अभी इस बार बहुत ही अच्छा रहा है और लग रहा है कि कारपेट इंडस्ट्री थोड़ा ग्रोथ करेगी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही है। अच्छा, एक बड़ी वजह थी मंदी, कि मंदी के बाद इसे लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों में एक शंका भी थी कि इस वैश्विक मंदी में कहीं ना कहीं शायद इस बिजनेस पर भी असर पड़े, तो उसके अनुरूप किस तरह की व्यवस्थाएं चली चार दिनों में? वो उससे हम लोग बाहर हैं। हिंदुस्तान का कारपेट सारी दुनिया में जाता है और दुनिया को किस कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, सिर्फ हिंदुस्तान ही है, इंडिया ही है जिससे कारपेट वो खरीद सकते हैं। बाकी ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, सब 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 हम जैसा हम करते हैं वो नहीं करते। हम लोग पास सैम्पलिंग करने की सारी बनाने की कैपेसिटी सब कुछ है। इसमें सरकार की थोड़ी मदद चाहिए हम लोगों को। सरकार अगर थोड़ा मदद करे, जैसे पहले हम लोगों को 20% इंसेंटिव मिलता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत हैं, तो इस वजह से सरकार इधर पिछले मेरे ख्याल से 20 साल हो गए कोई ध्यान नहीं देती है। अच्छा, बातें सब करते हैं लेकिन कोई ज़मीन पे कुछ रहता नहीं। बस क्या वर्तमान मोदी गवर्नमेंट से कुछ आस है आप लोगों को? कह तो रहे हैं, अभी ज़मीन पर तो कुछ नहीं है। पिछला 5 साल बीत गया, चलो GST तो ठीक है, वो देश के लिए तो बहुत ही अच्छा है, होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। हम उसके खिलाफ़ नहीं है कि GST ना रहे, लेकिन GST के साथ साथ सरकार को जो पीछे इंदिरा गांधी ने हम लोगों को दिया था, प्रधानमंत्री वो थी, वो आज तक कोई दिया नहीं। या तो वाजपेयी जी ने किया था, हमारी इंडस्ट्री को मदद किया था, या तो वाजपेयी जी ने या इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल बातें लोगों ने बातें करते हैं, स्पीच देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल के चले जाते हैं और मिलता मिलाता कुछ नहीं है।
चलिए तो एक बार मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार आप इस बार अच्छा है, अच्छा और हम लोग अच्छा करेंगे भी, लग भी रहा है। ठीक है, मार्केट स्लो है, सारी दुनिया में है, वो अलग है, उसे फेस भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना, पिछले साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा। यस, अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि मेला का आज आखिरी दिन है और काफ़ी कुछ लोग सामान में अपना समय से, तो जो टारगेट लेके ये एक्सपो लगा था उस टारगेट के कितने करीब है? टारगेट जो लगा था उससे हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं, इसलिए कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मंदी है, इंटरनेशनल रिसेशन, उससे अमेरिका की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी भी अछूती नहीं है प्रभावित। गलीचा एक ऐसा वस्तु है कि जो लग्जरी आइटम में आता है, रोटी कपड़ा मकान के बाद आदमी खरीदता है, एक्सेस मनी होती है तब तो। इस वजह से 3-4 सालों से हमारी इंडस्ट्री जरा मुश्किलों से जूझ रही थी। उसमें एक ही प्रयास हमारा था, काउंसिल के पूरी ताकत लगाई कि हम नए बायरों को पूरी दुनिया से जोड़ें और पुराने बायरों को न छोड़ें। इस वजह से हमारे लगभग 400 कस्टमर विदेशी आए और 300 इंडिया के बाइंग हाउसेस जो विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं, इंडियन एजेंट रिप्रेजेंटेटिव जो फॉरेन बायर के लिए काम करते हैं, होटलों में के डिजाइनर जो होटलों में सप्लाई करते हैं, आर्किटेक्ट, उन सब को यहाँ बुलाया गया था। उसको लगभग उनकी संख्या लगभग 300 थी, कुल मिला के लगभग 700 लोग कारपेट इंडस्ट्री से के लिए, कारपेट के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और अच्छा साइन गया पिछले साल को की अपेक्षा। इस बार हमने स्पेशल कुछ इंतजाम भी कर रखा था कि बायर लॉन्च और वीआईपी लॉन्च को अलग कर दिया, बायरों को डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, दोपहर का भोजन का विशेष यहाँ व्यवस्था किया गया जिससे बायर भूखे मतलब दोपहर में लंच के लिए होटल ना जाएं, आने जाने उनका टाइम ना ख़राब हो, वो टाइम हमारे निर्यातकों के साथ बिताएं। ये है कि हम एक नज़रिए से पूरे इंडिया के अपने निर्यातकों को देखते हैं। भदोही मिर्ज़ापुर के बारे में पूछ रहे हैं तो चूंकि इस क्षेत्र में लगा है और यहाँ निर्यातक भी काफ़ी मात्रा में कुछ ही 100 किलोमीटर के रेडियस में हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन क्षेत्र भी यहाँ है और उनका शोरूम भी और फैक्ट्री भी यहीं है, इसलिए विशेष फ़ायदा तो मिलेगा ही उनको। तो अगर बात की जाए यहाँ से ऑर्डर की, तो अब तक कितने ऑर्डर? देखिए, आप लोग बार बार हम लोगों से पूछते हैं ऑर्डर, यहाँ कोई तुरंत ऑर्डर नहीं मिलता है। एक बायर के सैंपल दिखाया जाता है, सैंपल का नेगोशिएशन होता है, उस नेगोशिएशन के अंदाज पर हम लोग ये 230 जो हमारे एग्जीबिटर हैं और 700 लगभग जो आए थे, एक अनुमान के अनुसार लगभग 300 से 400 450 करोड़ का नेगोशिएशन का हुआ है, जो कि अंदाज़ा है। ये आगे चलकर के साल दो साल में 4000 5000 6000 करोड़ कन्वर्ट हो जाता है।